हेलो पोके फैंस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैरी गेमिंग में। मैं हूँ आप सबका पोके ड्रीमर हैरी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने यार द लेजेंडरी पोकेमॉन ओहो को पकड़ लिया था, और आज गाइस हम लोग आ चुके हैं इधर सीफोम आइलैंड में, और आज हम लोग पकड़ने वाले लेजेंडरी बार्ड पोकेमॉन आर्टिकुनो को, इसलिए हम लोग इधर आए हैं। और गाइस, मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि मैं एक ही एपिसोड में सारे लेजेंडरी को पकड़ लूँगा, लेकिन यार ये लिटरली नामुमकिन है, क्योंकि अगर हम लोग यार अगर हम लोग गिने ना तो अभी भी शायद 13 या 14 अभी लेजेंडरी बचे हुए पकड़ने के लिए। तो गैस एक एपिसोड में सारे लेजेंडरी पकड़ नहीं पाएंगे, और गैस शायद मैं आज 2 लेजेंडरी पोकेमॉन शायद पकड़ लूँ। और मैं थोड़ी देर के लिए फूरेड को इधर रख लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, फूरेड का इधर स्ट्रेंथ यूज़ करना पड़ेगा और शायद इस तरफ बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए जल्दी से बढ़ते इधर पोकी बॉल है, देखते क्या है इस पोकी बॉल में। ओके, आई सील है इधर, बहुत अच्छी बात है, आई सील, आई सील मिल चुका है हम लोगों को। ओके, नीचे चलते हैं जल्दी से। और गैस इधर अगर कुछ बैठे हुए तो मैं स्किप कर दूंगा। तो और यार, मैंने बहुत सारे पार्ट इधर स्किप कर दिया, क्योंकि यार बहुत कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इधर पजल सॉल्व करने में, ये सब सॉल्व करने में, इसलिए गाइस मैंने थोड़े से पार्ट बहुत सारे स्किप कर दिए हैं। तो अभी शायद हमको राइट साइड में जाना पड़ेगा, लेकिन राइट साइड में जाने के लिए मुझे बैटल करना पड़ेगा इससे। तो यार चलिए बैटल कर ही लेते हैं। तो इससे बैटल हो गई है, हम लोग नीचे आ गए हैं अभी। ओके ओके गाइस, इधर आप देख सकते हैं यार पजल्स लग रहे हैं, मुझे पजल्स है, मैं थोड़ा सोचने दीजिएगा इस पजल्स कैसे सॉल्व करें। ओके ओके गाइस, मैंने थोड़ा सोच लिया, और शायद अभी मैं पजल सॉल्व कर पाऊँ यार, शायद अच्छे कर पाऊँ मैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मेरे हिसाब से हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो देखते हैं गाइस शायद हो ही जाए। ओके ओके, और गाइस कल यार मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि यार बहुत कुछ, मेरा शेड्यूल बहुत उल्टा सीधा हो चुका था, क्योंकि यार मैं जब बीमार था मेरा बहुत सारा वीडियो मतलब मिस हो गया। अभी मतलब मैं पिकनिक में हूँ, मतलब कौन सा वीडियो कब डालूँ क्या करूँ। ओके चलिए नीचे चलते हैं हम लोग जल्दी से अभी। अब शायद हम लोग बहुत पास आ चुके हैं आर्टिकुनो के, देखते हैं गाइस आर्टिकुनो किधर है। ओके चलिए पढ़ते हैं जल्दी से यार, बार बार सर्फ करना पड़ता है। ओके गाइस, आप देख पा रहे हैं यार लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकुनो, आज हम इसी का शिकार करेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं जल्दी से और देखते हैं ऊपर और क्या क्या है, कुछ नहीं है ऊपर। ओके चलिए इस तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो गाइस, चलिए। ओके और यार नहीं यार, नहीं, नहीं नीचे जाना है नीचे। हाँ बहुत अच्छे नीचे। ओके गाइस चलिए हम बढ़ते हैं। ओह आर्टिकुनो यार, वैसे ये ऐसा गेम है जिसमें पहले बार लेजेंडरी पकड़ रहा हूँ। ओके गाइस, मैं जल्दी सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इधर सेव कर लिया है, चलिए जल्दी से पकड़ते हैं आर्टिकुनो को। ओके गाइस, मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी ऑन है मेरा, लेन चलो, आर्टिकुनो का प्रेशर है, हम लोग फ्लेम थ्रोवर करेंगे, बस क्रिटिकल हिट मत लग जाना, आराम से जाओ, रुक जाना एक समय में। बहुत अच्छे जगह पे यार रुका है यार, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। ओ माय गॉड, फ्रीज हो गया गाइस। चलिए अब हम लोग निकालेंगे अपनी स्कूई को, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा काम करना है अभी के लिए। तो स्कूई रिफ्लेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग अभी करेंगे यॉन। ओके एजिलिटी, अपना स्पीड बढ़ाएगा, हम लोग यॉन कर दिए, बस एक ही काम करना बाकी है, पोकी बॉल फेंको, फास्ट अल्ट्रा बॉल गो। नहीं यार बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आया। ओके यार, अब शायद काम में आ सकते हैं, चलिए यूज़ करके देखते हैं, लेट जस्ट होप। नहीं यार फास्ट स्लीप। ओके मैं काम कर लेता हूँ, पहले तो रिस्टोर कर लेता हूँ अपनी स्कूई को, क्योंकि अगर बाई चांस उठ गया तो यार मैं स्कूई भी मर जाएगा, फिर से मुझे रिवाइव यार 2-3 बार करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होगी। ओके अब सेट पोकी बॉल, हम लोग डस्ट बॉल ही यूज़ करते जाएंगे अभी के लिए, तो क्योंकि अल्ट्रा बॉल मैंने बहुत ट्राई कर लिया पकड़ में नहीं आ रहा है यार, तो हमको डस्ट बॉल ही ट्राई करना पड़ेगा अभी के लिए तो। ओके कमान यार आर्टिकुनो आ जाओ। ओ गाइस यस, फाइनली आर्टिकुनो आ गया है टीम, टीम में तो नहीं गाइस, फ्रीज पोकेमॉन। ओके गाइस आर्टिकुनो को निकनेम, हाँ देंगे, जरूर देंगे हम इसको निकनेम देंगे गाइस, ओ आर ई ओ गाइस, ओडियो, हम लोग का ओडियो आ गया टीम में, टीम में नहीं गाइस। तो हम लोगों ने आर्टिकुनो पकड़ लिया, मैं जल्दी से ऐसे वापस बाहर निकलता हूँ पहले तो गाइस। ओके और गाइस आज तो मैं अभी तो अभी मुझे और एक पोकेमॉन पकड़ना पड़ेगा यार, मैं सिर्फ एक पोकेमॉन नहीं पकड़ूंगा आज। ये चीज़ें कहाँ पर रखी है यार, ये रहा एस्केप रोप, यूज़ कर लेते हैं। ओके गाइस
और गाइस मैं सीधे मिलता हूँ आपको कैंटो पावर प्लांट की जगह में, क्योंकि उधर हमको मिलेगा जेप्टोस, जेप्टोस हाँ जेप्टोस। तो मैं जल्दी से वहाँ पर चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ गाइस आप लोग थोड़ी देर वेट। तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ अभी कैंटो पावर प्लांट में हूँ, और क्या गाइस मैंने गेम को सेव कर लिया है और इधर आप लोग देख पा रहे हैं जेप्टोस है। चलिए जेप्टोस से यार क्या बोल रहा हूँ मैं, तो यार जेप्टोस से बैटल करते हैं हम लोग जल्दी से। जेप्टोस जेप्टोस यार ओके, इलेक्ट्रिक टाइप इलेक्ट्रिक टाइप। अभी हम लोग यार करेंगे पहले पावर जेम, क्योंकि यार आपको पता ही होगा ये कौन सा टाइप का है, इलेक्ट्रिक टाइप का है और फ्लाइंग टाइप का है, सॉरी इलेक्ट्रिक तो नहीं फ्लाइंग टाइप का है, इसलिए हम इस पर पावर जेम पहले यूज़ करेंगे। देखते हैं कितना डैमेज देता है, ज़्यादा डैमेज नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अभी भी इसने चार्ज किया है तो उस हिसाब से ठीक ठाक ही डैमेज है। ओके अभी अगर मैं पावर जेम यूज़ करूँगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सिग्नल भी मैं यूज़ करूँगा मैं अभी के लिए तो। ओके ये फिर से चार्ज कर रहा है, अपना स्पेशल डिफेंस भी बढ़ रहा है और अपना अटैक भी बढ़ रहा है इसका, तो ये बहुत बुरी बात है हम लोगों के लिए। स्पेशल डिफेंस बढ़ रहा है और मेरे सारे मूव स्पेशली है अभी के लिए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। ओके अगर इसने अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया है, क्या करना चाहिए पावर जेम? नहीं 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 शायद नहीं यार, सिग्नल भी करते ही यार, मुझे रिक्स नहीं लेना, इसको पकड़ना है पहले। तो डिस्चार्ज ज़्यादा डैमेज नहीं देगा डिस्चार्ज, लेकिन इसने चार्ज किया है तो थोड़ा ज़्यादा ही देगा। ओके ओके आज इस चैप्टर्स को पकड़ेंगे हम लोग। ओ ओ ओ भाई क्रिटिकल हिट, बहुत अच्छे जगह पर क्रिटिकल हिट लगा यार, ये देख के मुझे भी खुशी हुई। ओके यार नहीं 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 नहीं, नहीं यार मिस क्लिक हो गया गाइस, मिस क्लिक हो गया है। ओके फिर भी इसका स्पेशल डिफेंस रोज हो गया है, चलिए देखते क्या मार पाता है सिग्नल, मार देगा शायद गाइस, मर जाएगा चैप्टर्स, नहीं मारा। ओ भाई गाइस बिल्कुल सही जगह पे आके रुका है जेप्टोस का एसपी। ओके ओके मुझे अभी पोकेमॉन स्विच कर लीजिए स्क्वी के लिए, हम भी इसको सुलाएंगे अभी। और स्क्वी यार बहुत अच्छा ऑप्शन है जेप्टोस के लिए, क्योंकि यार वो ग्राउंड टाइप है। ओके एजिलिटी, चलो एजिलिटी कर लो तुम, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है एजिलिटी से। ओके ओके गाइस योन 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 कम ऑन स्क्वी, दो एजिलिटी कर चुका है ये जेप्टोस, मुझे लगा था सस्पेंस मर जाएगा यार वो, बहुत ही अच्छा लगा यार, नहीं मारा और बहुत ही पूरे अच्छी जगह में रुक गया मतलब। ओ ओके 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 लेट जस्ट ट्राई पोकी बॉल्स, अल्ट्रा बॉल तो है लेकिन यार एक ग्रेट बॉल ट्राई किया जाए बस यार, अभी बस शुरुआत ही कर रहा हूँ इसलिए बस एक ग्रेट बॉल ट्राई कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगा, मुझे लगा था बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगा। ओके एंशियंट पावर, जेड में तो नहीं देगा एंशियंट पावर क्योंकि रॉक टाइप मूव है यार, हम लोग ग्राउंड टाइप है। अब ये सो जाएगा, चलो सो जाओ यार, तीन चार भाई एंशियंट पावर पांच चीज़ें यार बढ़ा देता है गाइस, बहुत ही ऑसम यार मूव लगा मुझे एंशियंट पावर, मुझे पता था एंशियंट पावर मूव है लेकिन यार इतना पांच चीज़ें बढ़ाएगा रेंडमली मुझे नहीं पता था। वन टू थ्री बूम गाइस, पहला अल्ट्रा बॉल और कॉट गाइस, ग्रेट बॉल से नहीं पकड़ पाए लेकिन गाइस पहले अल्ट्रा बॉल ने पकड़ लिया यार, मुझे नहीं लगा था जेप्टोस इतने जल्दी पकड़ में आ जाएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। इलेक्ट्रिक पोकेमॉन जेप्टोस गाइस, जेप्टोस को हम नाम देंगे गाइस, हम इसको नाम देंगे एम एन कहा है गाइस, टी का है टी ओ या सॉरी टी ओ यार, रुकिए रुकिए गाइस थोड़ी देर रुकिए आप लोग, हाँ मेंटोस गाइस, हम लोग का मेंटोस आ चुका है हम लोग के बॉक्स में यार, मेंटोस और हम लोग का यार आर्टिकुनो का नाम क्या दिया मैं भूल गया हूँ। ओके गाइस अभी मैं बढ़ता हूँ सीधे सेरुलियन सिटी की तरफ, देखते अगर टाइम बचा तो मैं यार और लेजेंडरीज पकड़ रहा हूँ, पकड़ूंगा अभी। ओके अभी बस रह चुका है गाइस म्यूटो रह गया है, बाकी वो चार लेटियोस लाटियोस वो सब अभी भी बाकी है। तो गाइस और यार मॉल्ट्रेस, हाँ यार मॉल्ट्रेस है तो मॉल्ट्रेस को मैं अभी नहीं पकड़ूंगा गाइस, मॉल्ट्रेस को मैं कब पकड़ूंगा जब मैं रेड के साथ बैटल करने जाऊंगा, क्योंकि मॉल्ट्रेस अभी माउंट सिल्वर में है और माउंट सिल्वर में जाने के पहले मुझे रॉक क्लाइंब किसी को सिखाना पड़ेगा और मैं तभी सिखाऊंगा वो सब जब मैं मतलब माउंट सिल्वर में जा रहा होऊंगा। तो इसीलिए गाइस अभी मैं बिल्कुल भी किसी को रॉक क्लाइंब सिखाने के मूड में भी नहीं हूँ और यार मुझे किसी को सिखाना भी नहीं है रॉक क्लाइंब अभी के लिए। तो शायद आज के लिए बस इतना ही, होप यू एंजॉय वीडियो, आज हम लोगों ने दो लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लिए, एक जेप्टोस और एक यार आर्टिकुनो, मॉल्ट्रेस बचा हुआ है मैंने बोल दिया है, मॉल्ट्रेस को मैं जब मैं रेड से बैटल करने जाऊंगा तब तो पकड़ लूंगा। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग,
और यार मैं बहुत सारे मतलब वीडियो पे प्लान कर रहा हूँ, तो यार मेरे शेड्यूल थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अगर मैं बीमार ना होता तो शायद सब ठीक हो जाता, लेकिन यार हो गया, आप क्या करें। तो इसलिए मतलब कल का दिन मतलब मैं उसी को फिर से यार रीअरेंज करने में मैं चला गया था। बहुत यार प्रॉब्लम आ रहा था, तो और एक दिन में यार मैं बहुत सारे लेजेंडरी सारे पकड़ूंगा, लेकिन इम्पॉसिबल ही है क्योंकि यार RCS है यार, बहुत सारे कायोगर, रायकुजा, बहुत कुछ है यार, अभी भी बहुत सारे लेजेंडरी बचे हुए हैं। लेकिन यार सच बताओ यार, मुझे आज यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लेजेंडरी इसको पकड़ कर यार, क्यों पता नहीं, लेकिन यार आस पास अच्छा लगा मुझे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।